wish I found some better sounds no one's ever heard. Hey, what's up guys, I'm Akash and you're watching Akash Talks. So welcome to a brand new episode of comment reply series. So yaar ye video mein main aap logo ke sare questions ka sawalon ka jawab dene wala hu. तो ये पूरा वीडियो देखो ताकि आपको पूरी चीज अच्छे तरीके से पता चल जाए और जितने भी लोग अपने क्वेश्चंस पूछे थे तो आप सारे लोग का आंसर भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से मैं पोल किया था कि अगर मैं व्लॉग्स अपलोड करूं तो क्या आप लोग देखना पसंद करेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों ने यस कहा था, तो 78% लोगों ने यस कहा था। तो यार मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सा व्लॉग लेके आ रहा हूँ, क्रिसमस स्पेशल बोल सकते हो या फिर दिसंबर स्पेशल, जो भी है वो बोल सकते हो। तो यार आज ये तो कमेंट रिप्लाई वीडियो 5 है, तो यार मैं जितना हो सके आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई बैक करूंगा। वीडियो काफी बड़ा हो सकता है बट मैं जितना हो सके आप सारे लोगों का कमेंट रिप्लाई पकड़ूंगा और एक एक करके आंसर दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा मैं बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी बड़ा हो जाता है क्योंकि आप लोग सवाल बहुत पूछते हैं और ये ऐसे ही सवाल पूछते रहिए। मैं जितना हो सके आप लोगों को कमेंट से भी रिप्लाई करता हूँ एंड एज वेल एज मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के वीडियो फॉर्मेट में भी देता हूँ। तो यार कुछ दिन तो मेरा एग्जाम था इसीलिए मैं तो उतना रेगुलर नहीं हो पाया। तो यार और एक बात, अगर डायरेक्टली या फिर कुछ अपडेट्स है तो आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, जो आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो जो अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं उधर रेगुलरली कुछ अगर नया अपडेट्स है तो मैं वो दे देता हूँ। तो यार आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला सवाल मैं पकड़ दूँ, तो पहला सवाल मेरे को किया है कि हर्ष प्रकाश ने, गाइस एक बार ये शो मी द कमेंट्स इन माय वीडियो, थैंक्स ब्रो, आर यू यू आर सो गुड फॉर ऑल द नॉलेज। तो यार हर्ष थैंक्स अ लॉट, मैं आपका कमेंट दिखाया था, अभी भी अगर आप बोलो तो अभी मैं दिखा सकता हूँ एक बार जो आप कमेंट्स किए थे, और अब मेरे ख्याल से बहुत धूप है तो इसीलिए आ नहीं रहा है, तो मैंने थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर अभी आप देख पा रहे हो तो देखो एक बार। तो यार हाँ, आपका कमेंट्स में दिखाया था लास्ट वीडियो में। तो यार इसके बाद मैंने कमेंट्स किया था कि मोहम्मद इसराइल ने, भाई ईवीएस का कुछ बता दो, टीना बोल रहा था, तो टीना शायद मेरा कोई सब्सक्राइबर होगा शायद, मेरे को नहीं मालूम, पर अगर टीना अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार नीचे कमेंट कर दो ताकि मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ पता चल जाए। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईवीएस तो मेरा आईसीएससी में नहीं था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ईवीएस आईसीएससी में नहीं था, मेरा सिर्फ था जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कंप्यूटर ऑल दोस्, मेरा इकोनॉमिक्स में नहीं था, बट कुछ लोग इकोनॉमिक्स के भी बोल रहे थे बट इकोनॉमिक्स मेरा नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली मोहम्मद, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करता हूँ, मेरे को खुद को कुछ पता करना, फर्स्ट ऑफ ऑल ईवीएस उतना हार्ड नहीं, ईवीएस उतना हार्ड नहीं, तुम खुद भी कर सकते हो बट मेरे ख्याल से उतना टिप्स मेरे को जरूरत नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे कि आप बोल सकते हो जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो इंपॉर्टेंट है उन सब्जेक्ट्स के लिए मैं वीडियोस बना दिया हूँ, वीडियोस ऑलरेडी बना चुका है, आप जाकर चैनल में चेक कर सकते हो और बहुत सारे लोगों का फायदा भी हुआ है। जिन लोगों को फायदा हुआ जो लोग कमेंट कर सकते हो, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि आप लोगों का फायदा हो इसीलिए आप कमेंट कर रहे हो। और भी क्वेश्चन है सब, जो आपको जो भी डाउट्स है सब मैं सॉल्व करूंगा, जितना हो सके मैं सब सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने कमेंट्स करता है कि टीना गोयल ने, तुम टीना हो, ठीक है, टोपोग्राफी का कुछ बताओ। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोग्राफी का मैं पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं बना, मैं जब ज्योग्राफी का एक वीडियो बना था उधर मैं टोपोग्राफी के लिए बोला था आप लोगों को। तो टोपोग्राफी में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शूट करता हूँ, तो मेरा कैमरा वैसा नहीं है कि मैं टोपोग्राफी करके दिखाऊँ, बट टोपोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल उतना हार्ड नहीं है, टोपोग्राफी तुम 20 में से 20 आसानी से निकल पाओगे, ठीक है, बहुत ही आसान है 20 में से 20 मिलना। अगर टोपो अच्छे से कर जाओ, मैप अच्छे से कर जाओ, तो यार 30 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा, और बाकी के 50 मैंने जैसे बोला, अगर वो वीडियो तुम देखो मेरे चैनल पे जाकर, या फिर मैं ऊपर में कार्ड में लिंक दे दूंगा, उधर जाकर तुम देख सकते हो। यार वो वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देखो एक बार, देखो वो वीडियो अगर तुम देखोगे तो मेरे ख्याल से ज्योग्राफी में 95 से नीचे तुमको नहीं मिलेगा, अगर तुम मैथ्स से फॉलो करते हो 90 से नहीं मिलेगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ, अगर तुम मेरा जो मैं बताया उस पर्टिकुलर वीडियो में अगर तुम वो फॉलो कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश फॉलो किया या फिर मैथ्स फॉलो किया, उन लोगों को हेल्प, और वो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, सो तुम भी करो यार टीना, तो तुमको भी मिल जाएगा। तो इसके बाद मैंने को कमेंट्स किया था कि अनिश अंकित श्रीनिवास्तव, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई हैव फर्स्ट सॉल्व माय अनसीन पैसेज एंड देन द अदर क्वेश्चंस, एंड ड्यू टू दिस आई हैव सॉल्व माय पेपर 30 मिनट्स बिफोर इन माय फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। तो अंकित, तो यार अंकित थैंक्स अलॉट कमेंट के लिए, और सब लोग जो लोग अभी ये कमेंट देख रहे हो देखो यार अंकित थैंक्स अलॉट, तो अंकित को हेल्प मिले इसलिए अंकित कमेंट किया। तो अगर तुमको भी ऐसा हेल्प मिलता है तो यार कमेंट में बताओ मेरे, देखो मैं जितने भी लोग कमेंट कर रहे हो मैं सबको पकड़ता हूँ, ज्यादातर कमेंट में पकड़ता हूँ और रिप्लाई बैक भी करता हूँ और वीडियो बना के या फिर उधर डायरेक्टली। सो यार अंकित थैंक्स, तुम्हारा जो अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो थैंक्स अ लॉट, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।
तो इसके बाद मेरे को कमेंट किया था कि आर्यन मेहता ने 20th को याद रखना। हाँ भाई 20th को मैंने बोला था कि मेरा एग्जाम चलेगा तो मैं 20th के बाद रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। तो मेरा एग्जाम तो 17th में लास्ट एग्जाम, 18th में लास्ट एग्जाम था। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाँ यार एडिटिंग या फिर सब कुछ करने के बाद, हाँ 20 में मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके आप लोगों को रेगुलर वीडियोस देना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है कि यादव, हाँ यादव क्या कमेंट कर, सर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज मेक वीडियो ऑन ग्रामर पोर्शन। तो यार यादव फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाँ मैं ग्रामर पोर्शन में एक वीडियो बनाया था, वो तुम देख सकते हो एक बार, वो वीडियो में बुक्स भी दिखाया था और बहुत सारे कुछ टिप्स भी दिया, उतना टिप्स मैंने नहीं दिया बट थोड़ा बहुत टिप्स दिया कि कैसे हम कर सकते हैं, कितने में से कितना मार्क्स है, 20 में से 20 कैसे निकालनी है, और ग्रामर तुम देख सकते हो वो वीडियो एक बार, और यार वो वीडियो एक बार देख लो। और ग्रामर में से देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर में जो जो बुक्स है वो बुक अगर तुम अच्छे से करके जाओ तो तुमको मेरे ख्याल से अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। 20 में से एटलीस्ट तुमको 16 से 17 उधर उठाना ही होगा, क्योंकि अगर 16 से 17 नहीं उठाओगे तो लैंग्वेज का मार्क्स डाउन हो जाएगा। मेरा ऐसा हुआ था, ठीक है, मेरा एग्जाम में ऐसा हुआ था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा लैंग्वेज अच्छा नहीं गया था, मेरे खुद को ही मालूम है, बट लिटरेचर में मेरे को 97 या फिर 95 के ऊपर मिला था। इसीलिए अगर तुमका, और एक बात, अगर तुमका लैंग्वेज उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे तरह मेरा लैंग्वेज उतना स्ट्रांग नहीं था, तो तुम लिटरेचर बहुत अच्छे से करो, लिटरेचर में 95 का तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंग्लिश में 90 नहीं होगा। ठीक है, और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश को तुम्हारे टॉप 5 में लेना ही पड़ेगा। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है कि रमेला सॉन्ग्स हाउ टू राइट गुड एसे प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इट सर। तो यार रमेला फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाँ एसे के बारे में मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगर तुम कमेंट कर दे और कुछ लाइक्स भी आ जाए तो मैं वीडियो बना दूंगा एसे के ऊपर, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है मैं इसे के ऊपर बढ़िया सा कर दूंगा, कौन सा हिस्सा तुमको पिकअप करना है। तो यार अगर तुम लोग का भी ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो यार नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में करो, कमेंट्स नीचे, सॉरी नीचे कमेंट्स में जाकर करो यार, तब भी तो बहुत और भी लोग जान पाएंगे। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है कि रेडी भैया आपको 10 में कितना परसेंट मिला था। भैया मेरे को 10 में 90 के करीब मिला था। तो इसके बाद मेरे को क्वेश्चन किया था मायूक रॉय ने, प्लीज गिव योर व्हाट्सएप नंबर प्लीज, यू आई होप यू डोंट माइंड। तो यार मायूक फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मायूक मैंने तो व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता, इसलिए मैं इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, आप इंस्टाग्राम जाकर चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम में आपको बहुत सारे चीज मिल जाएगा, जो जिन लोग मेरे से पर्सनली भी चैट करते हैं, मैं चैट और हर चैट का मैं अभी तक आंसर दे सकता हूँ, इसे दे पा रहा हूँ। आप भी इंस्टाग्राम में जाओ, इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो करो मेरे को, मेरे को उधर ही चैट ऑप्शन है, चैट में जाकर आप किसी भी क्वेश्चन पूछो, अगर हो सके मैं लिख के या फिर मैं वॉइस करके भी, अभी तो ईजी हो गया भाई, इंस्टाग्राम में वॉइस भी आ गया, तो अगर मैं हो सके तो मैं वॉइस करके भी दे दूंगा, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है लक्ष्य सिंह ने, पर्टिकुलर वीडियोस बना दो भैया सबकी जल्दी प्लीज प्लीज प्लीज। तो यार लक्ष्य, तो ये लक्ष्य को मैं बहुत सारे, मैं लिटरेचर लैंग्वेज फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बनाया, बायोलॉजी का दो वीडियो बनाया, उसके बाद मैथ्स का एक वीडियो बनाया, उसके बाद ज्योग्राफी का बनाया, हिस्ट्री का बनाया, तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोल रहे हैं, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट जो जो लोग का जो जो सब्जेक्ट ज्यादा डिमांड या फिर ज्यादा कमेंट्स हो रहे हैं, मैं उन सब्जेक्ट का कंप्यूटर में दो वीडियोस बना दिया, और एक वीडियो कल भी आ जाएगा देख सकते हो प्रैक्टिकल वीडियोस। आप बहुत सारे लोगों ने बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ कल या फिर परसों के अंदर मैं छोड़ दूंगा, और इसके बाद व्लॉग भी आ रहा है, जो आप 25 के लिए एक स्पेशल व्लॉग मैं पहले जो बोला। तो यार हमें मैं सिर्फ केमिस्ट्री को छोड़ के सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप कौन से सब्जेक्ट को लिए मांग रहे हो, या फिर आपको कौन सा चाहिए, अब मेरे को कमेंट में बोलो, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाओ, जो जितने भी सब्जेक्ट्स है या फिर मैथ्स, वो सारे वीडियोस देख सकते हो एक बार, क्योंकि हर वीडियोस में आपको थोड़े बहुत अच्छी चीज जानने को मिले और आपको मार्क्स इंक्रीज करने का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है टिप्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे हेल्प हो रहा है, तो आप भी जाकर देखो, अब मेरे ख्याल से आपको भी हेल्प हो जाएगा। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है कि अविश जोहरी, तो सर कैन यू प्लीज मेक वीडियो ऑन द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। तो यार जोहरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जोहरी का बात मैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब कि तुम चाह रहे हो कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे वीडियोज में कैसे बनाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आईसीएसई में हर तुम लास्ट सीनियर्स करके जाओ, तुमको बहुत सारे कमन में नहीं बट वैसे टाइप का मिलेगा, वैसे टाइप का, यही मैं एक टिप्स दे सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं तो आईसीएसई का मैं तो क्वेश्चन ही बना सकूंगा ना। तो यार मेरे ख्याल से ये वीडियो, ठीक है मैं कुछ करूंगा, ठीक है मैं या फिर कुछ लाइक्स भी आए पर्टिकुलर कमेंट में। तो यार इसके बाद कमेंट कर रहा है कि कॉल मी योर डैडी,
कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50+ सब्सक्राइबर्स, सो थैंक्स अ लॉट कम्युनिटी। और मेरे ख्याल से आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग जल्दी 100 सब्सक्राइबर भी कर लेंगे। नेक्स्ट टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स। और अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा है तो हम और भी जल्दी और भी कुछ अच्छा करेंगे। तो इसके बाद कमेंट करता है कि आप कौन से स्ट्रीम से हो क्लास 10 में। तो यार मैं, आप कौन से स्ट्रीम में जाएंगे आफ्टर क्लास 10? सो कौन किया था ये, मेरे को नाम नहीं आ रहा। तो यार मैं देखो, आफ्टर क्लास 10 मैं साइंस में गया था। आफ्टर क्लास 10 आईसीएस देने के बाद मैं जब स्कूल में गया था, उधर एग्जाम देने पड़ा जो मैं अभी से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो यार उधर एग्जाम जाने के बाद को साइंस में चांस मिल गया, तो मम्मी पापा ने बोला। तो और मेरा भी इंटरेस्ट था कंप्यूटर में था, तो इसीलिए। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है कि बिट्टू कुमार कॉमर्स के बता भाई। तो बिट्टू यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉमर्स के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो स्ट्रीम ही साइंस था। मैं क्लास 10 में भी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा था सब्जेक्ट्स, और यार कॉमर्स में मेरा तो नहीं सब्जेक्ट था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने का। तो यार कॉमर्स के जो कॉमन सब्जेक्ट है, इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, बंगाली या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, बोलो, ये सब तुम देख सकते हो। वो वीडियो देखो, वो जाकर तुमको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगा। यार सॉरी टू से, बट मैं कॉमर्स का वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा तो बुक नहीं था या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को कमेंट कर रहा है कि रेड्डी फीड से कैसा है भाई। तो यार एग्जाम तो अभी खत्म हुआ है और थोड़े बहुत प्रेशर कम है, बट फिर भी जनवरी में फिर भी एग्जाम है। तो यार हूँ जैसा, थोड़े बहुत अच्छा ही हुआ आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों से बात करते हो। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है कि क्या मैं 11 में आईएससी स्कूल जा सकता हूँ। तो यार ये वीडियो आप देख सकते हो, मैं इस पर्टिकुलर कमेंट जो कॉल मेरे डेड नहीं किया था, इस पर्टिकुलर कमेंट्स को लेकर मैं एक वीडियो बना था, वो जाकर आप देख सकते हो। ये वीडियो उसकी पहले वो वीडियो आया था, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं पूरा चीज समझा दिया उस पर्टिकुलर एक अलग सा वीडियो करके। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करता है आर्यन खन्ना ने एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो यार एडमिट कार्ड एग्जाम्स के एक महीने पहले दे देगा आपको, बट पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने कमेंट करते हैं मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम। हाँ मैं भाई, मैं मानस किया था। तो यार हाँ भाई, मैं कंप्यूटर प्रोग्राम को वीडियो बनाऊंगा, प्रोग्राम प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जल्दी आएगा। तो इसके बाद मेरे को कमेंट करते हैं प्लीज मेक वीडियो ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग जावा स्कैनर। फिर से मानस। तो यार हाँ, मैं तो जैसे ही बोला कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकल वीडियो आएगा, चीजें अच्छे तरीके से हमको समझा दूंगा ताकि आप लोगों को जानने के लिए ईजी हो। तो यार इसके बाद मेरे को बहुत सारे कमेंट है भाई। इसके बाद मेरे को कमेंट करता है कि किधर गया टेक्नो अंकुर ने, प्लीज मेक वीडियोस ऑन डू एस डायरेक्टेड क्वेश्चंस एंड ऑल द रूल्स। तो यार टेक्नो अंकुर, तो यार अंकुर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाँ डू एस डायरेक्ट के ऊपर में वीडियोस में एक लैंग्वेज के ऊपर में वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो जाकर, दो वीडियोस ऑलरेडी है। तो मैं कुछ बुक्स भी देखा था, अगर वो आप बुक्स टोटल इंग्लिश या फिर वो आप बुक्स करके आते हो तो आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और यार डू एस डायरेक्ट के ऊपर में कुछ रूल्स या फिर ऐसे कुछ आप चाहते हो, तो अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं श्योरली कुछ करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को कमेंट्स किया था कि मायूक्रो ने भाई आप कौन से स्ट्रीम से हो। तो फिर से सेमी क्वेश्चन, हाई भाई मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। तो इसके बाद मेरे को कमेंट किया था कि कॉल मी डैडी, फिर से भाई क्या आईसीएससी क्लास 10 में डबल डायमेंशन एरे है 2019 में। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 2019 में डबल डायमेंशन एरे है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीएससी में एरे डबल डायमेंशन एरे है, ठीक है, बट चांसेस बहुत कम है। मैं आपको बोला था कि आपने दो कमेंट्स किए थे, तो मैंने आपको बोला था कि हाँ भाई मैं कमेंट्स रिप्लाई वीडियो में चीज़ें अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ रहता है कि डबल डायमेंशन एरे आईसीएससी में है, बट ये आएगा कि नहीं आएगा ये तो मेरे को मालूम नहीं, बहुत चांसेस कम है, ठीक है। अगर डबल डायमेंशन एरे तुम करके, मैं तो एरे आईसीसी में करके नहीं गया था, फिर भी मेरे को 95 मिलता, क्या कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। एरे करके जाओ कि ना करके जाओ कुछ मायने नहीं रखता, बट इलेवन में जाकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आप एरे अभी नहीं करे हो तो, और अगर आप इलेवन में जाकर कंप्यूटर साइंस लेंगे तो या फिर एप्लीकेशन लेंगे। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल एरे आने का चांसेस बहुत कम है मेरे ख्याल से डबल डायमेंशन एरे। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर तुमको डबल डायमेंशन एरे में प्रॉब्लम हो रहा है तो छोड़ दो, तुम और भी बाकी चार प्रोग्राम तो आएगा करके जाओ, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो इसके बाद कमेंट करता है सिद्धू गुप्ता, आप कोलकाता में कौन से आईसीएससी स्कूल से पास आउट हुए हो प्लीज बताओ। तो यार मैं असेंबली ऑफ एंजल्स, जो कि असेंबली ऑफ एंजल्स से मैं पास आउट हुआ हूँ, जो बैरकपुर में है, और अभी मैं उसके बाद में 11-12 सेंट पॉल्स जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो यार इसके बाद मेरे को कमेंट किया था शिवम आहिर ने, हाउ क्लास 9 स्टूडेंट स्टडी। तो यार शिवम फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्लास 9 स्टूडेंट कैसे स्टडी करेंगे, अच्छा मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ क्लास 9 स्टूडेंट, मैं कुछ वीडियोज में बताया था क्लास 9 एंड 10 के मिलाकर,
तो यार उधर में भी मैं फिर से बोल दूंगा, ठीक है, उधर में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उधर मैं थोड़ा बहुत टिप्स दे दूंगा कि अगर 9 के अंदर कंप्लीट करनी है आईसीसी के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद मेरे को कमेंट किया था अभी किंग ने, यू गिव नाइस एडवाइस फ्रॉम व्हिच स्कूल यू हैव गिवन आईसीएसई एंड हाउ मच यू गॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50 के सब्सक्राइबर्स। सो यार अभी क्या नाम था उसका, अभी अभी तो यार अभी हाँ मैं तो पहले ही बोला मैं कौन से स्कूल में से पास आउट हुआ हूँ आईसीएसई, और यार थैंक्स अ लॉट। और अगर आप लोग का ऐसा ही सपोर्ट एंड प्यार रहता है तो हम बहुत ही जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स भी आ जाएगा हम लोगों का, मेरे पास या फिर हम लोगों के पास। देखो ये स्टूडेंट मेरा तो चैनल, मेरे खुद का तो चैनल नहीं है, ये हम सब लोगों का चैनल है। या फिर आप लोग क्वेश्चंस में कैमरा के इस पास हो आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर के उस पार हो, तो यार जितने भी आप लोग और ऐसे ही हम लोग ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, और अगर आपका प्यार ऐसे ही बढ़ा रहता है, यार अगर आप लोग ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहो, या फिर अगर मेरे से आप लोग का कुछ लर्निंग या फिर कुछ कुछ मदद हो रहा है और मदद अगर मेरे वीडियोस देखकर, तो यार आप प्लीज लाइक करो एक बार, मेरे को पता चले कि हाँ यार तुम लोगों को पसंद आ रहा है या फिर तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, यही मेन बात है। और एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग का सपोर्ट ही मेन है, ठीक है। तुम लोग का सपोर्ट अगर रहता है तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर तुम लोग का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं वीडियोस बना के क्या करूंगा। अगर तुम लोग का हेल्प नहीं, जिस दिन से मैं एक बात बोल रहा हूँ, जिस दिन तुम लोग का हेल्प नहीं मिलेगा मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेन मोटिव रहता है कि मेरा जो चीज फेस किया वो मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे जो चीज फेस किया वो लोग वो चीज तुम लोग को फेस करनी नहीं पड़ी, यही मेन मेरा मेन बात है और मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का। मैं हर एक स्टूडेंट ऐसी जो दे रहा है, मैं हर एक स्टूडेंट को एक अच्छा सा, देखो सबका सबका कैपेसिटी सेम नहीं आता, ठीक है। किसी स्टूडेंट एक का कैपेसिटी है कि वो मेमोराइज कर सकेंगे 10 मिनट के अंदर, किसी स्टूडेंट बी का है कि वो 20 मिनट के अंदर, स्टूडेंट सी का है वो 1 घंटे के अंदर। बट मैं एक सब स्टूडेंट को एक ऐसा ऐसा टिप्स दूंगा कि वो हार्डवर्क से स्मार्ट वर्क करके एक अच्छा मार्क्स मिले उन लोगों को, यही मेरा मेन मकसद रहता है, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट जो कर रहे हो ऐसे अगर सपोर्ट प्लीज बना रखो, और अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन लोगों को भी चैनल पे आने दो ताकि और भी क्वेश्चन आए, और हम और भी इंटरेस्टिंगली ये जो सीरीज में कर रहा हूँ ना कमेंट से ये भी और भी अच्छा कर पाओ। तो इसके बाद मेरे को कमेंट किया था सुप्रिया सिंह ने, तो सुप्रिया क्या बोला, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन बेस्ट बुक्स फॉर आईसीसी लैंग्वेज। तो यार मैं एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उधर आपको मिल जाएगा थोड़े बहुत टिप्स, ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जितने कमेंट्स आप लोग किए थे मैं सब जितने भी हो सके पिकअप किया, 90% का मैंने पिकअप किया, और आपका आंसर भी दे दिया। अगर आप फिर से क्वेश्चन करो कमेंट करो इस वीडियो के अंदर कमेंट करो, या फिर किसी दूसरे वीडियो में कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा सब पकड़ने का, और फिर भी एक नया, और मेरा मेन कोशिश रहता है कि मैं हर वीक एक एक कमेंट रिप्लाई वीडियो में आप लोगों का कमेंट का जवाब दे सकूं, ठीक है। तो ये मेरा मेन कोशिश रहता है, बट फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारा सर्कमस्टेंस, मेरा एग्जाम रहता है और बहुत कुछ है, तो इसीलिए नहीं। तो ये फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून एंड गुड बाय।